हेलो एवरीवन, मेरा नाम शनाया त्रिवेदी है। मैं 5 साल की हूँ। आज हम बनाने वाले उपमा टिक्की, तो देखते हैं कैसे बनता है। अगर जो आपके घर में उपमा पड़ता है तो उसे फेंक मत देना, उसे टिक्की बना लेना। पहले हम लेंगे उपमा, लेने के बाद हम लेंगे पटेटो, बॉय पटेटो, बॉयल पटेटो डालने के बाद हम थोड़ा मिक्स करेंगे। मिक्स हो गया। मिक्स होने के बाद हम डालेंगे, हम थोड़ा मिक्स हर्ब डालेंगे। हम डाल देंगे, मिक्सर बनाने के बाद हम डालेंगे थोड़ा सॉल्ट, इतना हम डाल देंगे। मिक्सर डालने के बाद हम डालेंगे रेड चिली, चिली फ्लेक्स। अब हम मिक्स करेंगे। हाथ से करेंगे हम मिक्स। ये हमारा हो गया है। अब हम हाथ में थोड़ा सा ऑयल लेंगे, क्योंकि चिपक ना जाए। ये देखो चिपक नहीं रहा कुछ भी। अब हम इसे इसके अंदर इसको ब्रेड क्रम में थोड़ा घुमाएंगे। ये घूम गया है, देखो कितना स्वादिष्ट है। अब हम दूसरे को भी घुमाएंगे। हमारा चार टिक्की तैयार है। अब हम इसे शेकने जाएंगे। इसे थोड़ा शेक रहे हैं, अच्छे से पकने दो इसे। इसको दूसरे साइड शेकेंगे। दो टिक्की हमने बाउल के ऊपर रख दी है। अब हम डालेंगे मीठा, दही 1 चम्मच, एक चम्मच दही डालने के बाद हम डालेंगे मीठी चटनी। मीठी चटनी डालने के बाद हम डालेंगे ग्रीन चटनी, जो थोड़ी टिक्की होती है। अब हम डालेंगे धनिया, धनिया डालने के बाद हम डालेंगे सेव, तीखा मिर्चा डालेंगे। अब वापिस हम मीठा दही डालेंगे। मीठा दही डालने के बाद वापिस हम डालेंगे मीठी चटनी। मीठी चटनी डालने के बाद हम वापिस डालेंगे कोरिएंडर।
का टिक्की तैयार है। आपने आपके दोस्तों के साथ शेयर कर लिया है ना? स्टे होम बी सेफ बाय।